हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 164 करने जा रहे हैं। ये क्लास सेकंड की रहेगी और 8 फरवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी। बच्चों, ये जो वर्कशीट हम करने जा रहे हैं सोमवार की वर्कशीट है, ठीक है। और ये जो आपकी जो बुक है ना, प्यारी प्यारी सी हिंदी की, उसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर बच्चों आपका 14 है, ठीक है। जो आपका लेसन है ना 14, ठीक है, उसका जो है नाम क्या है, नटखट चूहा, ठीक है, उसी की वर्कशीट करेंगे। अगर आपने नटखट चूहे की कहानी अच्छे से पढ़ी हुई है, याद है ना बच्चों, वो क्या करता है, बहुत बड़ी में बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है अपने बिल के अंदर रह रह के। कहता है, ओए होए, मैं तो बड़ा तंग आ गया, बड़ा बोर हो गया, चलो चलो शहर चलते हैं। फिर वो चूहा शहर में गया तो कहता है, उसके मन में आता है, वो देखता, ओए होए, ये तो कपड़े वाला है, दुकान पे कपड़े बेच रहा है। उसके मन में आता है, मैं ना टोपी लूँगा अपने सिर पर। फिर ना वो उसके पास जाता है, पता है किसके पास जाता है बच्चों, दुकान वाले के पास। कहता है, ए दुकान वाले, मेरे को कपड़ा दे दे, मुझे टोपी बनवानी है। उसने बोला, चल, कहाँ आएगा चूहा, कहेगा मैं चूहे का सामान बेचूंगा। उसने कहा, दे रहा नहीं दे रहा, नहीं तो मैं रात को आके तेरे सारे कपड़े कुतर दूंगा। दुकान वाला डर जाता, ओए ले जा भाई, ले जा रेशमी कपड़ा, ले जा रेशमी। भैया उसने रेशमी कपड़ा उसको दे दिया। उसके बाद फिर उसने देखा, अरे अब रेशमी कपड़ा तो मेरे पास है, अब इसकी टोपी बनानी है। बच्चों, टोपी किससे बनेगी, उसको दर्जी के पास जाना पड़ेगा, दर्जी तो सिलेगा। कहता, हाँ चलो दर्जी के पास चलता हूँ। वो रेशमी कपड़ा लेके दर्जी के पास चला गया। फिर दर्जी के पास पहुँचा, और दर्जी के पास जब पहुँचा तो उसने बोला, ओ दर्जी, मेरी टोपी सिल दे इसकी। उसने कहा, नहीं मैं नहीं सिलूंगा, मैं चूहे का काम करूँगा, कोई है, मैं चूहे का काम नहीं करता, चूहे के लिए कुछ नहीं करता, चल जाए से। उसने बोला, आराम से मेरी टोपी बना दे, नहीं तो मैं क्या करूँगा, तेरे सारे कपड़े गुजर दूंगा रात को। नहीं 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 ऐसा मत करो यार, बड़ी दिक्कत हो रही, बड़ा पंगा ले लूंगा मैं तो उससे। भाई मैं बना देता हूँ। उसने बड़ी प्यारी सी रेशमी टोपी बना दी। क्या बना दी बच्चों, रेशमी टोपी बना दी। फिर पता है बच्चों क्या हुआ, फिर वो आगे जा रहा था, उसने देखा, अरे ये तो सितारे वाली की दुकान है, इतने प्यारे प्यारे सितारे लग जाएंगे तो मेरी टोपी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। ओए ओए ओए, तो उसने कहा, चलो चलो इससे बोलता हूँ, और सितारे वाले मेरी टोपी पर सितारे लगा दे, ठीक है, नहीं तो मैं तेरे रात को आके सारे सितारे बिखरे दूँ, बिखाड़ दूंगा, मतलब बिखर दे, जितने भी बिखरते हैं बिखरा दूंगा, ठीक है, समझ गया ना बच्चों। तो उसने बोला, हाँ ऐसा मत करियो यार, ये तो बहुत बड़ा पंगा ले लूँगा मैं तुझसे। तो उसने सुनहरे रूपले सितारे उसको उसकी टोपी पर लगा दिए और बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर राजा, पता बच्चों, ये जो चूहा है कहाँ गया, राजा के पास गया। राजा ने देखा, अरे वाह यार, इतनी अच्छी टोपी, बड़ी अच्छी टोपी पहन रखी है। उसने बोला, ओ राजा, मुझे अपनी गद्दी पे बिठा ले, ठीक है। और उसने बोला कि तू तो राजकुमार लग रहा है, क्योंकि राजा ने पता क्या बोला, राजकुमार लग रहा है। उसने बोला, मैं गद्दी पे बैठूंगा तेरी। उसने कहा, हाँ गद्दी पे बैठेगा, हम चूहे को गद्दी पे बिठाएंगे, चले यहाँ से भाग। उसने अपने उसको बोला, सैनिकों को, चलो चलो पकड़ लो इसको। उसने पकड़े पकड़े, इधर भागा उधर भागा, ओ गिर गए ओ गिर गए, ऐसे ऐसे घटना घटने लग गई। फिर चूहा ऊपर से निकल गया। उसने बोला, ओ राजा, अगर तूने जो है ना मेरे को गद्दी पे नहीं बिठाया तो मैं रात को अपनी सारी सेना लेकर सारा तहस नहस कर दूंगा सब कुछ। राजा डर गया, राजा ने कहा, यार छोड़ो बना देते हैं इसको। तो इस तरीके से उसने उस पर गद्दी बिठा लिया, और इस तरीके से चूहा जो है काफ़ी देर तक बैठ रहा, फिर अपने घर चला गया। फिर उसके बाद अपने दोस्तों को सारे से कहानी बताई, ऐसे ऐसे मज़ा आया, इस तरीके से समझ में आ गई बच्चों कहानी। अब फटाफट हम वर्कशीट करेंगे, क्योंकि पहले आपको मैंने समझा दिया ताकि आप वर्कशीट अच्छे से अपने आप कर पाएँ, कर लोगे ना बच्चों। अब फटाफट देखो क्या करना है वर्कशीट में, देखो पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ नटखट चूहा पढ़ा है। आइए देखते हैं कि क्या इस कहानी का हम कुछ कम शब्दों में भी सुना सकते हैं। देखो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, क्या इससे भी कम में हम कहानी सुना सकते हैं। देखिए आपको कॉपी पर कैसे नोट करना है, सबसे पहले आप प्रश्न एक नोट करोगे, ये पूरा का पूरा आप उतारोगे, फिर आप ये सारा उतारोगे, बीच में खाली स्थान है ना, इन खाली स्थान को भरेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूँ क्या क्या भरेंगे, क्योंकि आपको मैंने अच्छे समझा दिया, मुझे पूरा पता है बच्चों कि आप इसे खुद ही भर लोगे। तो देखो बच्चों, तो क्या बोला गया, नीचे दी गई कुछ पंक्तियों को पढ़कर सुनाइए और खाली स्थान को भर कर कहानी को पूरा करें, ठीक है, चलो करते हैं। एक नटखट डैश था, बताओ क्या था, चूहा। तो यहाँ पर आप क्या आंसर लिखोगे, चू हाँ, ठीक है।
एक दिन वह डैश की तरफ निकला। बताओ बच्चों कहाँ निकला? शहर की तरफ। ठीक है, शहर गया था ना वो, और शहर में फिर वो बाजार गया था, है ना, इस तरीके से। फिर वह अपने लिए एक डैश बनवाना चाहता था। क्या बनवाना चाहता था? वेरी गुड, टोपी। शाबाश। तो बच्चों पहले वाले में चूहा, दूसरे वाले में शहर, और तीसरे वाले में टोपी। तो बच्चों आगे हम भरेंगे। कपड़े की दुकान से उसने डैश कपड़ा लिया। बताओ बच्चों कौन सा कपड़ा लिया था? रेशमी। कौन सा लिया था? रेशमी। वेरी गुड बेटा। कपड़ा लेकर वह टोपी सिलवाने डैश के पास गया। किसके पास गया था कपड़ा सिलवाने के लिए? दर्जी के पास। वेरी गुड। देखो जब आप आंसर खुद बताएंगे तो मज़ा उसी में है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, फटाफट अगला आंसर बताइए। ठीक है, ये कॉपी में लिख लोगे ना, रेशमी और दर्जी। ठीक है, अगला क्या है? ठीक है, आगे बोल रहा है, अपनी टोपी पर सुनहरे व रुपहले क्या लगवाए उसने? सितारे। क्या लगाए बच्चों? सी ता रे। ठीक है, लगा के चूहा बहुत खुश हुआ, मजा आ गया उसको। तो बच्चों पहले वाले में हमने क्या भरा था? एक नटखट चूहा था, एक दिन वह शहर की तरफ निकला, वह अपने लिए एक टोपी बनवाना चाहता था। ठीक है, कपड़े की दुकान पर उसने रेशमी कपड़ा लिया, और ठीक है गोले नहीं मार रहे, आपको नाम लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी लिख के दिखा देते ना, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकर वह टोपी सिलवाने दर्जी के पास गया, और अपनी टोपी पर सुनहरे व रुपहले क्या लगाए थे बच्चों? सितारे। ठीक है, समझ में आ गया था पहला। आगे पढ़ते हैं, आइए पाठ में आए कुछ वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं, जो कहानी में लिखे थे ना अक्षर वो पढ़ते हैं। देखो कौन कौन से थे। दुकानदार ने चूहे से कहा, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा। ठीक है, राजा ने चूहे से कहा, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। ठीक है, अब आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पर डार्क रंग है ना, देखो यहाँ पे लाइट रंग है, यहाँ पे डार्क रंग है, यहाँ पे डार्क रंग है, यहाँ पे डार्क रंग है। हाँ या ना बच्चों, है ना? पता बच्चों डार्क क्यों है? अभी बताता हूँ। इन वाक्यों में आए सभी गहरे रंग के शब्द। गहरे रंग के कौन से? ये वाला। आपको गोला नहीं मारना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ ये ले, है ना, को बोलते समय ध्वनि नाक से निकलती है बच्चों। ये जो जिस पे ये बिंदी लगी है ना, ये नाक से बोले जाते हैं। किसे बोले जाते हैं? नाक से। नाक से भी बोलते हैं। नाक बंद करोगे इसकी आवाज़ बदल जाएगी। आप नाक बंद करके बोलो, मैं पहले बोलो मैं, बोल दिया, अब नाक बंद करके बोलो मैं, बदल गई ना आवाज़। तो ऐसे शब्दों में ना जो है बिंदी लगी होती है, है ना बच्चों, आवाज़ बदल जाती है। जरूर ट्राई करके देखो। ठीक है, इन्हें लिखने के लिए बिंदु, ये देखो ये जो है ना ऊपर बिंदी लग रही है, ये देखो बिंदी लग रही है। तो जिन पे जो नाक बंद करके आवाज़ चेंज होती है वो बिंदी लगानी पड़ती है बच्चों। ठीक है, और अच्छा बच्चों ये देखो, बच्चों भी लगी है ना, इन शब्दों को पढ़कर अंतर समझिए। चदा चंदा, देखो या बिंदी नहीं लगी ना तो इसे चदा पढ़ेंगे, और बिंदी लग गई तो चंदा। या अदर अंदर, मदिर मंदिर, ठीक है, मंगल मंगल, मंत्र मंत्र। ठीक है, तो बिंदी लगने से ना आ जाता है। ठीक है, तो ये अंतर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिन शब्दों में बिंदु का प्रयोग किया जाता है उन सबकी ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक है, नाक से निकलती, समझ में आ गई। आज हम इसी प्रकार के कुछ और शब्दों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपको इसका आंसर बनना है। राजा ने चूहे से कहा, यहाँ मैं लिखा ना, बिंदी लगाई, अपना बिंदी लगाओ, कहाँ लगाओगे बिंदी? मैं के यहाँ बिंदी लग जाएगी। तुम्हें, तुम्हें पे कहाँ बिंदी लगेगी? ये तुम्हें लिख के आप बिंदी कहाँ लगाओगे जल्दी बताओ? वेरी गुड, यहाँ पे लगाओगे। सिंहासन में बिंदी कहाँ लगाओगे बच्चों? यहाँ पे सिंहासन लिखना है, सी घा सन लिखने के लिए यहाँ पे बिंदी लगा दोगे। ठीक है, और नहीं पे बिंदी कहाँ लगाओगे? यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, ये भर लोगे ना अपने आप। पहले वाले में ये भरना है, दूसरे वाले में ये भरना है, तीसरे वाले में ये भरना है, और चौथे वाले में ये भरना है। लगा लोगे ना बिंदी? ठीक है बच्चों, देखो सेम उतारना है, बस बिंदी आपको लगा के सिखानी है। लगा लोगे ना? जल्दी बताओ, समझ में आ गया ना? जल्दी बताओ, मैं को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे, बताओ, बिंदी लगाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, और तुम्हें को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर तू मैं लिख के बिंदी लगा देंगे। लगा देंगे ना बिंदी? सिंहासन को कैसे लिखेंगे बताओ? सिंहासन में बिंदी कहाँ आएगी? जल्दी बताओ, यहाँ पर आएगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ शुरू में देखेंगे तो यहाँ पर देखो लिखे भी हुए हैं, सिंहासन बिंदी लगा रखी है ना यहाँ पे, देखो नहीं पे बिंदी लगा रखी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते थे, है ना। चलो चलो, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड पे।
अब बताओ दोनों में से क्या आएगा। नटखट चूहे की टोपी डैश बिरंगी थी, मतलब खालिस्तान भरना है। बताओ ये वाला रंग लगेगा या ये वाला रंग लगेगा। रगम, देखो जो बिंदी है ना यहाँ आगे वाली मानी जाएगी, ये वाली, क्योंकि र और गा के बीच में ना लगाना है रंग, ना कि गा के बाद में, तो ये वाला नहीं आएगा। तो आप इन दोनों में से कौन सा भरोगे, जल्दी बताओ कौन सा भरोगे इन दोनों में से। पहले वाला, ठीक है, बिंदी का याद रखोगे ना, बिंदी, तो दोनों में से एक भरना है आपको। जब यहाँ पे लाइन डली होती है ना तो दोनों में से एक भरना होता है यहाँ पर, ठीक है, भर लोगे ना बच्चों। अगला बताओ, चूहा बोला मैं अपनी डैश टोपी किसे दिखाऊं। बताओ सुंदर आएगा या सुधरना रहेगा, बताओ कौन सी आएगी, सुंदर। और देखो तो पहले वाले का भी आंसर पहला वाला था और दूसरे वाले का भी पहला वाला था, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दोगे ना बच्चों। बाकी देखो यहाँ पर लिखा भी था, ये रहा रंग, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हो गया अगला क्वेश्चन, चौथा है। चौथे में बोला है कि आप ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इनमें से बताओ ये किस किस का नाम है, जल्दी बताओ ये क्या है, ये क्या है, बताओ पंखा है, पंख है, इंजन है, ठंड है, ये मूँगफली है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, सुपर एक्सीलेंट, मज़ा आ गया, ऐसे होते होशियार बच्चे, ठंड, बिंदी लगा देना। बताओ ये क्या है, पंखा, वेरी गुड, शाबाश, ये ना बात पढ़ने वाले बच्चों की। बताओ बच्चों ये क्या है, जल्दी बताओ, मूंगफली है, इंजन है, ये पंख है, मैं पंख लिख दूँ यहाँ पर, पंख लिख दूँ, क्या है फिर, मूंगफली, वेरी गुड, ये हो गई मूंगफली, ठीक है। अब बताओ बच्चों ये क्या है, जल्दी बताओ, यहाँ पर मैं वो लिख दूँ, इंजन लिख दूँ, इंजन, क्या लिखूँ फिर, वेरी गुड सर, ये पंख है, पंख, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर, बच्चों आप पिक्चर अगर नहीं बनाना चाहते ना तो यहाँ नंबर डाल देना, ए बी सी डी ई, अगर पिक्चर आती तो बना लेना, ठीक है, और फिर नाम लिख देना। अब बताओ ये क्या बचा, आपको कहोगे सर इसमें लास्ट बचा, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, इंजन, क्या लिख देंगे, इंजन। देखो बिंदी लगाना मत भूलना, सारे बिंदी वाले हैं, ठीक है, समझाई। और पंख को नाक बंद करके बोलना, आवाज़ चेंज होगी ना, फिर मज़ा भी आएगा, मज़े ले लेके पढ़ा करो, तभी तो अच्छे से पढ़ेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, चूहा और राजा में से आप क्या बनना चाहोगे, बताओ आपको चूहा बनना है या राजा बनना है, और क्यों बनना चाहेंगे। देखो मैंने इसका आंसर चूहे के तरीके से लिख रखा है, आप बच्चे तो आपके मन के हिसाब से लिख रखा है, लेकिन अगर आप राजा बनना चाहते हो, ठीक है, तो इस कहानी के हिसाब से आप डर गए, चूहा जीत गया, अब आप बताओ आप राजा बनोगे चूहा, ठीक है। अगर आपको चूहा अच्छा लगता है तो चूहा बना देना, लिख देना, अगर आपको राजा लगता है तो राजा भी लिख देना, लेकिन बताना पड़ेगा क्यों अच्छा लगा। आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे राजा अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि राजा ने चूहे की बात मानी, ठीक है। अब मैं चूहे का आंसर दिखाता हूँ, तो लास्ट वाले का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, चूहे और राजा में से मैं चूहा बनना चाहूँगा, क्योंकि चूहा बहुत खुश है और चूहे की सभी बात मानते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो आप कुछ और लिख सकते हो, पूरा कॉपी में करना, अच्छा अच्छा करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक बात और, चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो, सब्सक्राइब भी क्या करो, और बेल आइकन को दबाया करो, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलो चलो बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, बाय।